नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि त्योहारों का सीजन, एक त्योहार का सीजन गया और दूसरे त्योहार का सीजन आया, मैंने कहा कि छात्रों के लिए जब भर भर के वैकेंसीज हो तो उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और इसको हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन लेकर के। इसी के बीच अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, 24,369 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आप में से कौन कौन से विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, एस्पायरेंट अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। केवल जरूरी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे यहाँ पर मिथुन सर के साथ। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया है, कब से कब तक यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें फैक्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे मिथुन सर के साथ। चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो सर ने बताया कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, बम्पर वैकेंसी आई है, उसकी हम डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, तो देखिए यहाँ पे डेट 27/10 से लेकर के 30 नवंबर तक इसका डेट है, ठीक है। पहले आप डेट याद रखिए कि फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, वैकेंसी सर ने बता चुके हैं, तो यहाँ पे डेट आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 27 से लेकर के मतलब कि 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक डेट इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि समझिए ध्यान से कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म तो भरा जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम देखिए टेंटेटिव डेट दिया जनवरी 2023, तो मतलब आपके पास टाइम कितना काउंट कर लो एक बार, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का वक्त है, और ये जनवरी की कोई टाइम अभी दिया नहीं, टेंटेटिव डेट है, फर्स्ट वीक में हो सकता है, लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गया कि कब फॉर्म भरेगी और कब इसका एग्जाम होगा। अब आइए कुछ और जानकारी अभी आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, समझिए, ठीक है। आइए देखिए अब वैकेंसी बारे में से धीरे सर आपको बताए कि धीरे सर वैकेंसी बताइए कितना वैकेंसी है। देखिए वैकेंसी आप धीरे सर है ना, वैकेंसीज मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एकदम भर भर के वैकेंसी है, तो सभी को यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना है। चलिए देखिए जिन बच्चों का सपना होगा ना पोस्ट, और देख लीजिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ओबी, जितने पोस्ट है सारे डिफेंस के पोस्ट ना, जिनका भी सपना है ना, तो सब यहीं पर देखिए सब इसी से लिया जाता है सब। और टोटल देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ किसमें कितना पोस्ट है, इसका पीडीएफ भी हम लोग डाल दिए, आप डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वैकेंसी की बात करें 24,369 पोस्ट है, ठीक है। तो जिनका भी सपना डिफेंस में जाने का, मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं धीरे सर, ठीक है। देखिए चलिए देखिए अब हम आगे यहाँ पे बात क्या करेंगे, एज। तो धीरे सर आपको एज के बारे में बताएंगे, धीरे सर एज देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे एक बार, ठीक। देखिए तो सर जैसे देखिए जो भी 18 से 23 जो भी जिनका एज है तो बिल्कुल भर सकता है वो, बिल्कुल फ्रेशर्स। अगर हम बात करें आपने अगर अभी अभी 10th या अगर हम बात करें 12th की परीक्षा, वैसे तो यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके 10th पास होने के ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम बात करें एज 18 वर्ष के आप पूरे हो चुके हैं, 10th आप पास हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट भी यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आप 18 वर्ष के यहाँ पर कब से कब तक, 18 से 23 की जो डेट है वो कब से कब तक मानी जाएगी, तो 1/1/2023 से मानी जाएगी, तो इसको भी आप विशेष रूप से क्या करेंगे ध्यान देंगे। तो क्या केवल 23 साल तक के ही आयु वर्ग के ही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है। हाँ देखिए अगर एसटीएससी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो 23 साल से आप और ज्यादा हो सकते हैं, कितना 5 साल और दे दिया है, मतलब 28 साल तक अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं एसटीएससी वाले। अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से आता है आप देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और अगर एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। समझा? अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हम 12th पास है, हम ग्रेजुएशन हो गया है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भी सवाल धीरे से हो सकता है मन में, है ना। कोई 10th वाले तो ठीक है, तो भाई बिल्कुल भर सकते हो, बस आप एज का ख्याल रखिएगा। आप इसको 10th वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन 12th वाले भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, बस एज का लिमिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब जैसे धीरे सर ने क्वालिफिकेशन बोला कि मिनिमम 10th पास तो होना चाहिए, भाई देख लो मिनिमम ना 10th पास होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या धीरे सर, हाँ मिनिमम 10th पास। तो भाई जितने बच्चे जो है सो खेत खलियान में कहीं भी तुम लोग दौड़ लगाते रहो, तो भैया इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा आप लोग को, समझ रहे हो कि नहीं। तो सब कोई तैयारी जम के करो भाई, 24,369 पोस्ट दोबारा अभी नहीं आने वाला, समझो, आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ठीक है। आगे सर चलिए सर बात क्या करते हैं हम लोग, देखिए देखिए आगे हम लोग जो बात करने वाले ना, अरे देखो अब यहाँ पे एनसीसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, जैसे हमारे धीरे सर भी एनसीसी में,
थे, है ना। तो बताइए सर, एनसीसी में क्या क्या करना रहता है, कितना कितना रिलैक्सेशन मिला है, कितना बेनिफिट मिला है? आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अपने, अगर हम बात करें स्कूलिंग में, या कई ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन का जब टाइम रहा होगा तो एनसीसी आप लोगों ने लिया होगा। तो एनसीसी वाले छात्रों को भी यहाँ पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो छूट का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनसीसी में ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2%, बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3%, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सी सर्टिफिकेट, जिनके पास भी सी सर्टिफिकेट है, तो 5% का यहाँ पर आपको सीधा सीधा छूट देखने को मिलेगा। तो ये छूट कहां पर किस प्रकार से मिलेगी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं आगे, ठीक है। ये भाई डाउट होनी नहीं चाहिए भाई, ये जो है ना कहां मिलेगा ये, है ना। तो भाई आज के टाइम में 5% मार्क्स का बहुत बड़ा जो बेनिफिट होता है भाई, समझो यहां पे बच्चे 0.5 से बाहर निकल रहे हैं, समझो इस बात को, ठीक है। तो सर अब हम लोग बात या अच्छा फोटो सुनो, एसएससी में ना सबसे ज्यादा फोटो जो ये फॉर्म जो रिजेक्ट होता है ना फोटो कारण होता है भैया, फोटो पे ना थोड़ा सा तुम लोग है ना समझ रहे हो ना, फोटो पे ध्यान देना। तो सबसे पहले सर लिख दिया कि 3 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब चश्मा उसमें मत पहन लेना, ठीक है कि नहीं, चश्मा खोल के फोटो खिंचाना क्या सर। तो देखो 3 महीना फोटो का जो साइज होगा वो तो कर लोगे, फोटो थोड़ा सा लेटेस्ट जाके क्या कर लेना तुम लोग, क्लिक करवा लेना, ठीक है। चलो ये फोटो का विषय ध्यान रखिएगा। और सर फी के बारे में धीरे सर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए फी देखिए बहुत नॉमिनल सी फी है, और यहाँ पर अगर हम बात करें किनको फी पे करनी है और किनको नहीं पे करनी है ये भी जान लीजिए। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं, और छात्रों में भी अगर हम बात करें जो मेल हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या करनी है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के केवल मेल छात्रों को 100 रुपए की फी पे करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी महिला सदस्य हैं, या इसके अलावा ओबीसी के अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी में छात्र आते हैं उनके लिए यह फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क है। यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और 1 रुपए भी हमें पे नहीं करना है। बस क्या करना है आपको, शिद्दत के साथ टीम कंपटीशन कमेटी के साथ में जुड़ करके तैयारी करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई सिर्फ 100 रुपया सर क्या बोले, सिर्फ 100 रुपया खर्च करनी है, और इसकी तैयारी कहां से करनी है, कंपटीशन कमेटी एसएससी का जो चैनल है कोके एसएससी पर, वहां पे रोज जुड़ना है, कंप्लीट तैयारी वहीं करना है आपको। क्या आप देखिए, हाँ बिल्कुल सर, चेंजिंग बारे में बताइए सर, एग्जाम पैटर्न बदलाव हो गया भाई, देख लो धीरे सर बताने जा रहे हैं, चलिए अभी बताते चलिए धीरे सर। देखिए पहले क्या हो रहा था ना कि 25-25 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन नहीं इस बार क्वेश्चन भी कम कर दिया। देखो तो अब एग्जाम 60 मिनट का होगा, 20-20 देखो जनरल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, समझो। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, अरे जिसको इंग्लिश नहीं आता गाँव का बच्चा क्या करेगा, तो हिंदी ले लेगा, टेंशन ना लो, ऑप्शनल, हाँ मतलब इंग्लिश के लिए, हाँ इंग्लिश के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी में, और प्रश्नों का अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे आपको डिटेल में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे जहां पर आप कॉम्प्लिकेशन फील करें या आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, ठीक है। आराम से इत्मीनान से तैयारी करेंगे, कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल भी जानेंगे साथ में जुड़ करके, तो आसानी के साथ हम यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। वैकेंसीज भी यहाँ पर ढेरों है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता एक बार यहाँ पे और देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग है कितना, तो यहाँ पे लिख दिया 0.5, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। चलो टाइम मिलेगा 1 घंटा, यहाँ पर ये मत सोचना सर 1 घंटा में टाइम बटेगा क्या, नहीं नहीं ओवरऑल आपको 1 घंटा मिलेगा, डाउट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात आगे कर लेते हैं सर, हम लोग एग्जाम कैसे होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है भाई। अब देखो सिलेबस, एक बार सिलेबस है इसका, आपको पीडीएफ ऑलरेडी अगर हम बात करें टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपटीशन कमिटी ऐप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां पर आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो जो भी जरूरी यहां पर इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है, उन्हीं को हम लोगों ने यहां पर एड ऑन किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें हाइट वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं, कितना दौड़ना पड़ेगा भाई, तुम लोग तो रोज पसीना बाहर फील्ड में जाकर, लेकिन यहाँ पे क्या करना समझ लो, नॉर्मली कोई अगर मेल है तो 24 मिनट समय रहेगा 5 किलोमीटर दौड़ना है, हम नॉर्मल बातें कर रहा हूं, ठीक है भाई, 24 मिनट 5 किलोमीटर। कोई फीमेल है तो उसको 8.5 मिनट समय दिया जाएगा, और 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी, बात समझ में आया कि नहीं। अब इसमें भी जो है कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो वैसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से आते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, उसको जैसे मेल को क्या 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर, ठीक है, लद्दाख रीजन वालों के लिए है। लेकिन नॉर्मली आप देखिए दौड़ जो है सो यही है आपका, ठीक है भाई, आराम से 24 मिनट बहुत होता है भाई। आओ आगे बात कर लेते हम लोग, यहाँ पर देखिए सर हाइट के बारे में, भाई हाइट देख लो, धीरे सर हाइट थोड़ा बता दीजिए।
हाइट की अगर हम बात करें तो जो भी आपके मेल अगर हम बात करें एस्पायरेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है 170 सेंटीमीटर्स, लेकिन हाइट को लेकर के भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर अभी चिंतित हो गए होंगे। तो हाइट वालों के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन का प्रावधान, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन किनके लिए अगर हम बात करें कितना आरक्षण का प्रावधान है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मिथुन सर बताइए। देखिए, अब रिलैक्सेशन दिया गया मेल फीमेल सबको रिलैक्सेशन मिला, कौन जो एसटी से है, जो एसटी कार्ड से है तो उसको देखो यहां पे क्या दिया, 162.5 मेल के लिए, सोचो 170 से घटा के कितना 162.5, और फीमेल के लिए मात्र 150, सोचो रिलैक्सेशन मिला हाइट में भी। अब वैसे ही देखो यहां पे ऑल शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट जो है सो नॉर्थ स्टेट, जो है सो नॉर्थ स्टेट जो इसमें आता है उसका, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों को भी अलग से मिल गया कितना, तो सर मेल के लिए 157 ही होगा और फीमेल के लिए सर 147.5, सोचो हाइट में भी दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर सर क्या लिखा है कि जो लेफ्ट विंग है ना एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है सो उसके लिए भी दिया गया 160 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए दिया गया है। समझ आया मेरी बात? तो हाइट में दिया गया, टेंशन मत लो, तुम लोग देख लेना किसमें आते हो। ठीक है, और जिसका थोड़ा कम हो तो भाई झूलना शुरू कर दो अभी भी, हाइट बढ़ा सकते क्या धीरे सर, धीरे सर हमारे तो हाइट कितना बढ़ा लिए है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सर ये चेस्ट के बारे में क्या भैया, एकदम समझ रहे हो ना, जब जिम में हम लोग जब जाते थे तो वही बात है। यहाँ पे देखो चेस्ट के बारे में, नॉर्मली आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना 80। अब जब फुलाना है कितना, तो फुलाने के लिए क्या 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए आपका, समझ में आया कि नहीं। अब इसमें भी सर रिलैक्सेशन दिया जो धीरे सर आपको बता रहे हैं, देखिए सर कितना दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 80 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम बात करें कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 76, लेकिन एक्सपेंशन में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सपेंशन की तो वहां पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कि ठीक है दौड़ रहे हैं मेहनत करें सब कुछ ठीक है, लेकिन खाने पर भी ध्यान दें। अगर हम बात करें तो जो मेजरमेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर हम बात करें चेस्ट के लिए तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर हम बात करें बिना किसी रिलैक्सेशन के। इसके बाद रिलैक्सेशन के बाद भी जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो दौड़ेंगे भी साथ ही साथ खाने का भी ध्यान देंगे। चलिए, वेट की भी यहाँ पर चर्चा की गई है, वेट के बारे में, इसीलिए मैं खाने पर बात कर रहा हूँ, वेट की भी चर्चा की गई है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। समय कि हाइट के हिसाब से वो स्टैंडर्ड आप लोग को बता दिया जाएगा, यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया इन्होंने। ठीक है, अब समझते हम लोग आगे, हम लोग कुछ पढ़ने देखो यहाँ पे, आईडी प्रूफ के तौर पर यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए क्या क्या, आधार कार्ड हो जाए ठीक है, तो अभी वोटर आई कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, ये सब कुछ तुम्हारे आईडी के प्रूफ पे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आइए चलिए सर, यही सर बोल रहे थे कि देखो अब जब फिजिकल टेस्ट जब देने जाओगे आप, तो फिजिकल में मिनिमम बोला है कि जैसे जनरल वालों के लिए 30% तुमको फिजिकल में मार्क्स लाना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो ओबीसी वाले हैं उनको 25% और जो अदर कास्ट के उसको 20%। यहीं पर धीरे साहब को बता रहे थे कि एनसीसी का फायदा मिलेगा आपको, यहीं पर वो जो है सो रिटर्न जो प्रीलिम्स का मार्क्स है वहां पे नहीं, फिजिकल में क्या धीरे सर, एनसीसी का आपको सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो लाइफ में जो कुछ भी हमारी अचीवमेंट्स रही है, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमने सर्टिफिकेट्स वगैरह गेन करे हैं, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी केवल और केवल आपको क्या करना है, एक बेहतर मानसिकता के साथ में, एक दृढ़ निश्चय, अगर हम बात करें संकल्प के साथ में आपको लग जाना है टीम कंपटीशन कमेटी के साथ। और अगर हम बात करें एग्जाम की डेट की, तो जैसा कि सर ने बताया कि टेंटेटिव डेट आपको जनवरी में देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, और इस 2 महीने को अगर हम एक युद्ध स्तर पर तैयारी करें तो डेफिनेटली हम अपने मंजिल तक, अपने एम को डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए आप सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत, अगर हम बात करें तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और लग जाना है आप सभी को साथ में। हाथ से जाने मत दो भाई, पे स्केल बहुत अच्छा है धीरे सर, पे स्केल भी इसका जानता है 18,000 से लेकर 56,900 तक है। आमतौर पे जो पिछले साल जो जीडी आया था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड भी हैं, तो उनसे बातचीत होते रहते हैं, बोलता है सर 39,000 लगभग 40,000 उनके अकाउंट में आता है मिनिमम। सोचिए कोई बच्चा 10th पास किया और वो अभी अगर मान लीजिए एसएससी जीडी क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग कर लेता है सर, तो 40,000 बहुत बड़ी बात है, समझ रहे मेरी बात। तो जो भी गांव वगैरह से बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयारी के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना है, कोको एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वहीं से आप रोज जुड़िए हमारे साथ। क्लास का टाइमिंग हमारा 8 बजे मैथ्स की होती है, 9:30 से 10:30 हमारा इंग्लिश होती है, और धीरज के साथ, धीरज सर के साथ आप जुड़ना है शाम में 6:30 से 7:30, और जीएस पढ़ना है तो आपको 8 से 9 रात जुड़ना है। ठीक है, कंप्लीट तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो सुनो सुनो, अभी इसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग फ्री में लॉन्च कर रहे हैं, टेंशन मत लो, लॉन्च कर दिया टेस्ट सीरीज, हालांकि इसके लिए हाँ
इसके लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे भाई, टेस्ट कहां से दें, खुद को जज कहां से करेंगे। तो आपको बस कंपटीशन कमिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना भाई, वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं धीरे सर अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो मिलते हैं। और भी जो कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें इस एग्जाम से रिलेटेड, आपके पास स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं क्या टारगेटेड, अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पर बैचेज होने वाले, इन सभी के ऊपर हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।